हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इजी सी टेट। आज हम ईवीएस के मोस्ट 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर उनको पसंद आता है तो लाइक करें एंड शेयर करें। जो लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, क्योंकि वहाँ पर डेली क्यूज़ होते हैं अलग अलग टाइम पर सारी सब्जेक्ट के, तो प्रैक्टिस होती रहती है। और बाकी हम यहाँ पर वीडियो देख करते कराते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो और क्यूज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 101% आपका सी टेट क्लियर हो जाना है और बहुत इजीली। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती यानी चारों ओर भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? ट्यूटिकोरियन, चेन्नई, प्रादीप या विशाखापट्टनम? कौन सा है भाई? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती बंदरगाह है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। माल के निर्यात की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। किसका है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? कौन सा है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 से प्रदर्शित करते हैं, हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, क्योंकि CO2 गैस के कण बहुत ज़्यादा समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं। इस गैस का उत्सर्जन वाहनों से, घरेलू ईंधन से तथा औद्योगिक संस्थानों से होता है। ग्रीन हाउस ऐसे कांच के घर को बोलते हैं जिसकी दीवारें हरे रंग के कांच से बनी होती हैं, जिसमें प्रकाश अंदर तो चला जाता है परंतु बाहर नहीं निकल पाता। ये क्रिया विधि ठंडे देशों में अपनाई जाती है ताकि पौधों को उचित ताप मिल सके। क्या होता है, जो सूरज से आने वाली किरणें जो होती हैं वो अंदर तो आ जाती हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाती, तो इसलिए हमें अगर ना हो CO2 तो फिर क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो जाएगा और हम रह भी नहीं सकते। लेकिन हमें नुकसानदेह क्यों है? क्योंकि इसकी ज़्यादती ज़्यादा हो गई है इसलिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है, लेकिन हम इसको सिर्फ नुकसानदेह ही मानते हैं। अगला है, इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? रेडियोधार्मिक कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट कचरा, कृषि जनित कचरा, खनन अपशिष्ट? जल प्रदूषण के स्रोत हैं शहरों व कस्बों के मकान से निकला मलमूत्र, कूड़ा करकट आदि नदी नालों, तालाबों और झीलों में गिरा दिया जाता है, फसलों पर छिड़के गए कीटनाशक पदार्थ जैसे DDT आदि। खनन अपशिष्ट जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, जबकि अन्य जल प्रदूषण के लिए मुख्य उत्तरदायी हैं। ये तीनों तो जल प्रदूषण करेंगे लेकिन खनन अपशिष्ट जल प्रदूषण नहीं करेगा, क्योंकि इन तीनों में क्या होगा, जो हम कचरा बहाते हैं, गंदगी बहाते हैं, वो पानी में मिलती है, फिर उससे क्या होता है, प्रदूषण। अगला है, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन विभाग या फिर उपयुक्त सभी? कौन करेगा भाई? बाढ़ नियंत्रण विभाग। आपको जैसे मालूम है बाढ़ की बात हो रही है तो बाढ़ नियंत्रण विभाग ही करेगा। भारत में चेतावनी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा की जाती है। अगला है, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल हैं बाढ़ एवं सूखा, भूस्खलन, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, उपयुक्त सभी? पर्यावरण अपघटन के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा आदि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लाभान्वित हुआ है? उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान या मध्य प्रदेश? कौन सा हुआ है? राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती है, जो राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। इस नहर से मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल, पेय जल आदि की आपूर्ति संभव हो पाई है। अगला है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों
का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है, यानी जल प्रदूषित होने से कौन सा रोग होता है, टॉन्सिलाइटिस, डिप्थीरिया, अतिसार या फिर खसरा। क्या होगा भाई? अतिसार। अतिसार एक जल जनित रोग है जो दूषित जल के पीने से होता है, इसे डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसके संरक्षण के प्रति जागरूक हों तथा स्वयं को भावात्मक रूप से पर्यावरण से जोड़ें। खाली 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने अंदर वो फीलिंग मतलब क्रिएट करनी है कि हाँ, हमें अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। खाली एक साल में आप एक दिन मना लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला, हमें डेली ये बात याद रखनी है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई? 5 जून को, एनवायरमेंट डे। ठीक है, आगे है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? वन महोत्सव, ग्रीन ओलंपियाड, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, पर्यावरण दिवस समारोह। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन TERI यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि TERI क्या है, तो आपको इसका पूरा फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा, या फिर जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। भाई जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है वो वीडियो को लाइक करते हुए चलें। निम्नलिखित में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? भाई जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ा पहले बताया था, सभी को मालूम होगा, 5 जून, 10 जून, 20 जून या फिर 2 जून। कब मनाया जाता है? 5 जून को। लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को वर्ष 1972 में पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन में स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये 1972 याद रखना है, स्कॉटलैंड याद रखना है, राष्ट्रीय संघ द्वारा किया जाता है याद रखना है, और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई? 5 जून को। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों को मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? पाठ्यक्रम में बदलाव तय, गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलाप को शामिल करके, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, परीक्षाओं के माध्यम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने तथा उनके मानसिकता में बदलाव लाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है कि छात्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव लाया जाए तथा उन्हें गैर शैक्षिक गतिविधियों में शामिल किया जाए। गैर शैक्षिक गतिविधि, वो गतिविधि जो कक्षा में ना हो, बाहर हो, यानी मतलब जैसे हमें पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक बनाना है तो हम उनसे ये प्रोग्राम रखें कि भाई हमें एक पौधा लगाना है, कुछ भी हो सकता है, तो बच्चों से पौधा लगवाएं, उन्हें बताएं, उन्हें सारी चीज़ें बताएं, हमें पौधे से क्या क्या फ़ायदा है, हम उनसे क्या क्या लाभ लेते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो हमें क्या क्या नुकसानात होंगे। अगला है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुरुषों का सर्वांगीण विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। क्या होगा? नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएँ हों या फिर पुरुषों, सभी का। भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों तथा व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यह अधिकार राज्य के विरुद्ध होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मूल अधिकारों का वर्णन कब से कब तक किया गया है, तो आपको याद रखना है कि एक्ट नंबर 12 से लेकर एक्ट नंबर 32 तक। सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम विशेष शामिल नहीं है? भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान या फिर व्यावसायिक शिक्षा।
कौन सा नहीं है भाई, व्यावसायिक शिक्षा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्य रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि आपको जहन में रहे, पांच के द्वारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषय को शामिल किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं है, ठीक है। जिनको वीडियो पसंद आ रहा है वो लाइक करते हुए चलें। अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम यानी विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती, योगा, स्वास्थ्य, संगीत या फिर उपयुक्त सभी। अंकों के आधार पर उसी पाठ्यक्रम की परीक्षा ली जा सकती है जो तथ्य परख हो, मूल्य परख हो। पाठ्यक्रम की परीक्षाएं अंकों के आधार पर नहीं ली जा सकती। स्वास्थ्य, योग एवं संगीत मूल परख पाठ्यक्रम है। कौन से हैं भाई, मूल परख पाठ्यक्रम, एक तो ये बात याद रखनी है, और इन तीनों की ही परीक्षा अंकों के आधार पर नहीं की जा सकती। अगला है, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है, जल का संरक्षण, जल का विनाश, वनों की कटाई, भूमि अपरदन। भाई जल का संरक्षण कर रहे हैं तो वो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन पर्यावरण समस्या नहीं है बल्कि पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है। वे सभी कार्य जिससे पर्यावरण का ह्रास होता है वह कारक पर्यावरण समस्या के अंतर्गत आते हैं, जैसे जल का दुरुपयोग, वनों की कटाई या भूमि अपरदन। आगे है, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा प्रणाली है। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी लोगों को शामिल करना चाहिए तथा संतुलित रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उसने पूछा था नहीं है। इस नहीं है पे बहुत ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे ये नहीं पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। सीटेट में आपको सही ऑप्शन से को पिक करने से पहले गलत ऑप्शन को चूज करना आना चाहिए। अब पूछला है तो है होता तो तीन निगेटिव होते, ऑप्शन एक पॉजिटिव होता, और नहीं है में तो तीन पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तीन ऑप्शन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। कभी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप ऑप्शंस को रिलेट करके देखिएगा, जो तीन आपस में एक दूसरे से संबंध रखते होंगे और एक अलग रहता होगा तो उसी को ही आप चूज कर लेंगे। आगे चलते हैं, नीली क्रांति संबंधित है पुष्प उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फल उत्पादन से। तो जो नीली है वो मत्स्य उत्पादन से यानी फिश से रिलेटेड है, फिश मछली। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, श्वेत किससे है, दुग्ध से। और इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों का सम्मिलित स्वरूप, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। इसके अलावा भी जो और क्रांतियां हैं वो लिखी हुई हैं। इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे नीली फिश नीली होती है तो क्या हो जाएगा, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, और मत्स्य क्या हो जाएगा, मछली। श्वेत दूध वाइट होता है तो वो किससे रिलेटेड है, दूध से। इंद्रधनुष, उसमें कई सारे इंद्रधनुष क्रांति यानी उसमें बहुत सारे रंग होते हैं तो क्या हो जाएगा, सभी क्रांतियों का सम्मिलित स्वरूप, ठीक है। हरित खाद्यान्न उत्पादन जो हरे हरे होते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रिक के बेस पर रिलेट कर सकते हैं। भाई जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैडम हमें आपका क्लास अच्छा लगा। जिसे अच्छा नहीं लगा वो भी कमेंट करके बताएगा कि मैडम हमें आपके क्लास में ये कमी लगी, ठीक है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगी। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, धर्म, भूमि, समुदाय, परिवार। भाई धर्म किसी भी पर्यावरण का एक घटक नहीं है। मानव पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं जो मानव के चारों तरफ स्थित होते हैं, जैसे मृदा, समुदाय, जनसंख्या, परिवार तथा संचार आदि आते हैं। धर्म मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, अवसादी, अग्नेय, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा भाई, अग्नेय।
पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा के बाहर आने को ज्वालामुखी की संज्ञा दी जाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा को मैग्मा भी कहते हैं। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है क्या कहते हैं उसको भाई, मैग्मा। जब मौसम मैग्मा बाहर आते हैं तो ठंडा होने के पश्चात अग्नेय शैल का निर्माण करते हैं। इन्हीं शैलों से ताप, दाब तथा अपरदन की क्रिया द्वारा रूपांतरित एवं अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अगला है, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों यानी परावैगनी किरणों से रक्षा करती है? अल्ट्रावायलेट रे, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर ऑक्सीजन। भाई क्या करती है? ओजोन। ओजोन परत जो है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। ऑक्सीजन के तीन अणुओं से मिलकर ओजोन, ओजोन को किससे प्रदर्शित करते हैं, O3 अणु का निर्माण होता है। ओजोन गैस का एक स्तर समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन स्तर सूर्य से आने वाली हानिकारक पर्यावरणीय किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। वर्तमान में ओजोन परत के कमजोर हो जाने से पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर आ रही हैं, जो कई बीमारियों का कारण है। ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान क्लोरीन गैस से होता है, जिसके एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को हानि पहुंचती है। जब जल वाष्प वायुमंडल में अवशेषित यानी संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसे कहते हैं वर्षा, बादल, बर्फ या फिर जल वाष्प। भाई वर्षा। जल चक्र के अनुसार पृथ्वी के जलीय क्षेत्र से जल तथा जल वाष्प के रूप में ऊपर उठती है तथा निम्न ताप के कारण पुनः संघनित हो जाती है और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है। ठीक है, और एक ऑप्शन आता है कि ठोस यानी शुष्क बर्फ का उदाहरण कौन है, तो उसमें आप लेंगे CO2। ठीक है, क्या लेंगे? CO2। शुष्क बर्फ किसका उदाहरण है? CO2। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं गर्म तथा शुष्क मरुस्थल जलवायु में, गर्म तथा आर्द्र विषुवती जलवायु, शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में इनमें से कोई नहीं। भाई कटीली झाड़ियाँ गर्म तथा शुष्क मरुस्थल में पाई जाती हैं। गर्म तथा शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में पानी की कमी के कारण यहाँ के पादप कटीली तथा झाड़ी युक्त होते हैं। वास्तव में मरुस्थलीय पौधों की पत्तियाँ नुकीली हो जाती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है एवं पौधे लंबे समय तक अपनी नमी बरकरार रख पाता है। स्वर्णिम रेखा इनमें से किसे कहा जाता है? कपास, चाय, जूट या फिर रबर। स्वर्णिम रेशा किसे कहा जाता है? भाई कपास को। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? शनि, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को क्या है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है क्योंकि आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है। यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख जाता है, इसलिए इसे सुबह का तारा एवं सांझ का तारा भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह से पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। इन सारी क्वालिटीज को आप नोट करके रखेंगे, ठीक है। और जो पृथ्वी है वो हमारी थर्ड नंबर पर आती है, सबसे पहले रहता है हमारा बुध। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आगे चलेंगे, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार या फिर तिब्बत का पठार। कौन सा है भाई? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 4500 मीटर यानी 14,800 फीट है। तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित एक ऊंचाई वाला पठार है। यह दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में तकला मकान मरुस्थल तक विस्तृत है। यह पठार 1000 किलोमीटर लंबा, पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर चौड़ा है। इसी के इर्द गिर्द विश्व के सबसे लंबे 14 पर्वत इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इतनी सारी ड्रिल थोड़ा सा नहीं पूछना है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है? सुनामी, भूकंप, रासायनिक आपदा या भूस्खलन। मानव जनित क्या है? रासायनिक आपदा।
रासायनिक आपदा मानव जनित आपदा है, जबकि भूकंप यानी अर्थक्वेक, सुनामी एवं भूस्खलन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक यानी नेचुरली हो, और मानव निर्मित जो मनुष्य के द्वारा कुछ करने पर घटित हो। भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को मालूम होना चाहिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, भोपाल गैस आपदा दिसंबर 1984 को, कब हुई थी ये? 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई, जिसमें वहाँ की पेट्रोरसायन कंपनी से बड़ी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हुआ, परिणामस्वरूप हजारों की संख्या में लोग मारे गए। शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? MIC। वो पूछ सकता है MIC का विस्तृत रूप क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो वो लाइक करते हुए चलें। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? CO2, नाइट्रोजन, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, तथा इससे उत्पन्न प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हॉकवर्क नाइट्रोक्साइड, मीथेन, नाइट्रोक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जबकि नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं उत्पन्न करती। और हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, और 78% पाई जाती है, और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, बाकी जो परसेंटेज बचता है, मतलब 99% हो जाना है इन दोनों को मिला के, और जो 1% बचता है उसमें अदर गैसेस आती हैं। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर क्यूज़ होता है, और जिन लोगों को नोट्स चाहिए तो वो नोट्स भी ले सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं पतझड़ वन, भूमध्य रेखा वन, कोणार्क वन या मैग्रोव वन। कौन सा हो रहे हैं भाई? मैग्रोव वन। समुद्री प्रदूषण के कारण मैग्रोव वन नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि मैग्रोव वन समुद्र तटीय क्षेत्रों में खारे जल में उगते हैं, अतः इन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? ज्वारीय वन। इसलिए जल प्रदूषण का प्रभाव इन पर भी पड़ता है। मैग्रोव वन पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी विशेष भूमिका निर्वाह करते हैं। समुद्री इलाकों में समुद्री तूफान, सुनामी आदि से मानवों की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के ये मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनको पसंद आए हों वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आफ्टर सम टाइम हम आपको कुछ ऐसी वीडियोस देंगे, मतलब हर सब्जेक्ट की, एग्ज़ाम से थोड़ा सा पहले, कि आप बस, जैसे हिंदी पेडागोजी है तो वो सिर्फ 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से हर मतलब हर सब्जेक्ट की बनाने की कोशिश करेंगे। भाई आपको पढ़ते रहना है पहले से, वो उन लोगों के लिए ज़्यादा होगा जिन्होंने बिल्कुल तैयारी ना की हो, और बाकी लोगों के लिए एकदम एक ही जगह रिवीजन मिल जाएगा बहुत शॉर्ट में। तो हमारे जो नोट्स लेना चाहते हैं वो नोट्स ले सकते हैं, NCERT उससे बाहर नहीं आने हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, लेकिन जो लेने के इच्छुक हैं वो ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।